हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए। सो स्पेशली वो बच्चे जो सीएस प्रोफेशनल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों? मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए तो बहुत सारे वीडियो बनाते ही हूँ, बट ये वीडियो स्पेशली सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए। अब सर, इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं? लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस? सो बच्चों, सी एस प्रोफेशनल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो आप एग्ज़ाम दिसंबर में दे रहे होंगे या फिर आप जून में दे रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप सी एस प्रोफेशनल में होते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार, आप ना 90% युद्ध जीत चुके हैं। लाइक यू हैव ऑलरेडी वॉन 90% ऑफ द वॉर। क्यों बच्चों? अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सी एस एग्जीक्यूटिव ज़्यादा डिफिकल्ट है या सी एस प्रोफेशनल ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मेरा अनुभव रहा है, जैसे मैं भी एक सी एस का स्टूडेंट रहा हूँ, सी एस प्रोफेशनल जो है सी एस एग्जीक्यूटिव के कंपेरिजन में आसान है। अब आसान क्यों है वो भी समझिए बच्चों। आसान इसलिए है क्योंकि सी एस प्रोफेशनल में आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं। मतलब आप समझिए बच्चों, आप 500 मीटर की रेस दौड़ चुके हैं, और आपको आपने प्रिपेयर किसके लिए किया था? 500 मीटर की रेस के लिए आपने प्रिपेयर किया था। अब एग्जीक्यूटिव जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जो है समझ लीजिए बच्चों, वो 450 मीटर का रेस है। तो यार, जो बंदा 500 मीटर ऑलरेडी भाग चुका है, या फिर आप मान लीजिए सी एस प्रोफेशनल 600 मीटर का रेस है, तो अगर आप 500 मीटर ऑलरेडी भाग चुके हैं और अच्छा दौड़ा है आपने, तो उसी टाइमिंग पे या उससे थोड़ी सी टाइमिंग पे आपको 600 मीटर दौड़ना है, तो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी डिफिकल्ट। और सब बच्चों, आपको पता है ना, एग्जीक्यूटिव बहुत सारे बच्चे इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो एग्जाम में डर जाते हैं, एग्जाम फोबिया होता है। सी एस प्रोफेशनल में एग्जाम फोबिया 90% स्टूडेंट्स को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सी एस एग्जीक्यूटिव जो है वो क्लियर करा है, ठीक है। तो सी एस प्रोफेशनल में आपको एग्जाम फोबिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल इसलिए कर जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे बच्चे फेल इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में जाके डर जाते हैं। तो बस आप सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि यार, अभी ना जैसे आप दिसंबर में जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो तो ठीक है, एक दो या तीन जितने ग्रुप दे रहे हो वो तो डेफिनेटली देंगे। जून के बच्चे, स्पेशली जून के बच्चे, आप दिसंबर में कितने ग्रुप दे रहे हैं सबसे पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि आप एक ग्रुप दे रहे हैं, दो ग्रुप दे रहे हैं, तीन ग्रुप दे रहे हैं, और जितने ग्रुप दे रहे हैं उसके हिसाब से आप एक बेहतरीन टाइम टेबल सेट कीजिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं पूरी मदद करने वाला हूँ आपकी टाइम टेबल को सेट करवाने में, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ लाइव भी आऊँगा सी एस प्रोफेशनल के टाइम टेबल को लेकर। तो बच्चों, बस यू नो, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ कि टाइम टेबल एकदम पक्का कर लीजिए और बस उस पर भिड़ जाइए, उससे जुड़ जाइए। और जहाँ तक रही क्लासेस की बातें, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको फाइनेंशियली वायबल है, फिजिबल है, तो प्लीज़ क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स ही लगाइए, हमसे मत लीजिए। आपको जिस फैकल्टीज लेना है आप उस फैकल्टीज लीजिए, बट प्लीज़ ज्वाइन क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल जाता है टीचर का, वो भी एक बहुत एक एज होता है, और एक मानसिक ना वो हो जाता है कि यार चलो, हमारा कम से कम सिलेबस तो ख़त्म हो गया क्लास में, तो अब हम खुद से कर लेंगे, क्योंकि एक बार तो आपका जो सिलेबस है वो क्लास वाले ख़त्म करा देते हैं। अगर आपको क्लास नहीं लगाना है तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से भी होता है, बट मेरे ख्याल से आखिरी है तो रिस्क मत लीजिए, ज्वाइन द क्लासेस एंड यू हैव वेरी गुड फैकल्टीज फॉर सी एस प्रोफेशनल। सारी क्लासेस की लगभग फैकल्टीज अच्छी हैं, मैं इसके बारे में कॉमेंट नहीं करूँगा, मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों, अब क्या हो गया ना कि एग्जीक्यूटिव आपने क्लियर किया है, उसके बाद फाइनल क्लियर होना करना आसान है। मतलब आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ठान लीजिए, कोशिश कर कीजिए, तोड़ के कोशिश कीजिए, कोई मतलब कोई मौका मत छोड़िए कि आप फेल हो जाएं, कि मतलब कोई मौका मत छोड़िए, एक भी वीक पॉइंट मत रखिए अपने अंदर, हर एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग रखिए, चाहे वो क्लासेस का हो, चाहे वो अपने नोट्स निकालने का हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस का हो, चाहे वो बैरक खरीदने का हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स ले स्ट्रैटेजीज बनाइए, टीचर से बात कीजिए, और किसी भी नॉट बच्चों डोंट लीव इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न। कुछ भी एफर्ट में कमी मत रखिए कि आपका ग्रुप रह जाए, कोशिश करते रहिए और बच्चों आप देखिए सी एस प्रोफेशनल आपका क्लियर हो जाएगा। एंड और मैं भी आपके साथ हूँ बच्चों इस पूरी जर्नी में, आई एम ऑलवेज देयर विद सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आपके लिए, आपकी शिकायत रहती है कि मैं प्रोफेशनल के लिए वीडियो कम बनाता हूँ, ये शिकायत के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अब आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सी एस प्रोफेशनल के लिए भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।